लिए 45 साल की उम्र है, किस तरह की तैयारी है, क्या क्या है? हाँ, आज 1 अप्रैल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस थी और 1 अप्रैल से हमने स्टार्ट कर दी है 45 प्लस की जो वैक्सीनेशन है, कोविड वैक्सीनेशन। मैं अभी गांधीनगर हॉस्पिटल उसी के कंटेक्स्ट में दौरा करने गई थी, वहाँ हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर श्री अतुल टुल्लू जी ने भी आना था मगर वो किसी व्यवस्था की वजह से आ नहीं पाए, और डीजी फैमिली वेलफेयर डॉक्टर सलीमुर रहमान भी वहाँ आए हुए थे और वहाँ हमने अरेंजमेंट देखा वहाँ 45 प्लस लोग और 60 प्लस वाले भी और बाकी जनरल जिन लोगों को भी इस वक्त वैक्सीनेशन हो रही है, कोमॉर्बिड वाले भी, वो लोग सब आए हुए थे और बहुत अच्छा इंतज़ाम वहाँ पर है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वहाँ लोगों को वैक्सीन लग रही है। तो अब हम अपील करते हैं लोगों से कि वो 45 प्लस जो कैटेगरी है, पहले तो लग रही थी 45 प्लस विद कोमॉर्बिडिटीज़, अब सब 45 प्लस जो कि जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है या नहीं है वो जाके अपनी वैक्सीनेशन नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स पे करवा सकते हैं। आपके माध्यम से मैं एक मैसेज जो है लोगों को और देना चाहती हूँ कि पहले जो गाइडलाइंस थी सेकेंड डोज के लिए वो थी 4 वीक्स के बाद, 4 हफ्ते के बाद दूसरी डोज लग रही थी और वो उसी गाइडलाइंस के हिसाब से जो है वो उनको मैसेजेस लोगों को आ रहे हैं, वो सिस्टम जनरेटेड मैसेजेस होते हैं, मगर अब जो है गाइडलाइंस सेंटर ने थोड़ी सी मॉडिफाई करी है, सेकेंड डोज अब 6 से 8 हफ्ते के बीच में लगेगी। तो लोगों से ये अपील भी करते हैं क्योंकि मैंने देखा वहाँ पर बहुत से लोग आके परेशान हो रहे थे कि हमें सेकेंड डोज़ क्यों नहीं लग रही, कोई वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है हमारे पास, मगर जो गाइडलाइन सेंटर ने चेंज करी है कि जो पहले 4 हफ्ते के बाद सेकेंड डोज लगनी थी अब वो 6 हफ्ते के बाद लगेगी। तो लोगों से ये अपील है कि वो 6 हफ्ते के बाद अपनी सेकेंड डोज लगवाने के लिए आए और परेशान ना हो, सबको लगेगी। यही जो 45 ओवर से ओवर हैं विदाउट कोमॉर्बिडिटीज आल्सो वो आ सकते हैं इम्यूनाइजेशन के लिए। तो दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज से थोड़े गाइडलाइंस चेंज हुई हैं, जो इम्यूनाइजेशन पहले आफ्टर सेकेंड डोज जो आफ्टर 28 डेज लग रही थी वो एक्सटेंड हो गई है, वो अब 6 to 8 weeks के बाद लगेगी। तो कंप्यूटर जनरेटेड मैसेज आ सकते हैं लोगों को, बट उनको जो आना है वो आफ्टर 6 weeks सेकेंड डोज लग पाएगी, उससे पहले नहीं। थैंक यू। आज से वो राइटर खत्म हो गया है, जो भी 45 प्लस है वो आ रहे हैं, वो इंजेक्शन लगवा सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर में ये स्टार्ट हुआ है, 1000+ हमारी सेशन साइट चल रही है, सभी एक्टिव हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है। आप देख रहे हैं बाहर के काफ़ी लोग आए हैं, 45 प्लस 60 वाले भी आए हुए हैं और हमारा अभी तक सुबह अभी स्टार्ट हुआ। आज 45 एंड एबव जो है वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, किस तरह देखते हैं, जिस तरह अभी कुछ देखने में आया है कि कोरोना केसेस भी बढ़े हैं, तो कितना ज़रूरी है 45 और एबव जो इम्यूनाइजेशन करना? तो ये जो डिसीजन लिया जो एज ग्रुप डाउन कर दिया 45 एंड अबव किया, तो लगता है कि इससे ज़्यादा लोग
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलेशन है 45 एंड एबो है, तो अगर वो वैक्सीनेशन कर ले तो काफ़ी बीमारी से बचाव हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली, जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेट करेंगे उतना ही बीमारी का चांस बहुत कम होगा। जैसे कि दोनों से चल रहा है तो ऑब्वियसली वैक्सीनेट करेंगे तो तभी अपनी अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं। मैम जिस तरह 45 एंड एबो आज जो शुरू हुआ है वैक्सीनेशन, किस तरह देखते हैं और कितना इससे एक बीमारी से लड़ने में एक फाइट करने में एक मदद मिलेगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन जो 45 एंड एबो है। ये तो गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा एक डिसीजन है जिन्होंने एज डाउन करके 45 रखी हुई है, इससे मैक्सिमम पॉपुलेशन कवर हो जाएगी और इससे ये भी रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगता रहेगा और ये खत्म होगा। तो आज